Welcome back to our channel Finstock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Mahanagar Gas. So friends, जैसे कि हम सब लोगों को पता है महानगर गैस ये जो कंपनी है इट इज एंगेज इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटली सप्लाइंग नेचुरल गैस इन द सिटी ऑफ मुंबई इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग एरियाज एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो ये जो कंपनी है ये हमारा जो घर में यूज होने वाला गैस रहता है उसको सप्लाई करने का काम करती है और ये बेसिकली महाराष्ट्र के मुंबई और रायगढ़ रीजन में इसका प्रेजेंस है. तो इसका जो सेगमेंट आता है वो पीएनजी सेगमेंट बोलते हैं उसको, पाइप नेचुरल गैस. सो दिस कंपनी सप्लाइज पाइप नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस. इट हैज वाइड नेटवर्क ऑफ 5,900 किलोमीटर्स ऑफ कार्बन स्टील एंड पॉलीइथिलीन पाइपलाइन. सो इसके पास 5,900 प्लस किलोमीटर का एक अच्छा नेटवर्क है. प्रेजेंटली इट हैज 12.5 लाख डोमेस्टिक कस्टमर विद अ कैपेसिटी टू कनेक्ट 16 लाख कस्टमर इन द डोमेस्टिक सेगमेंट. इट आल्सो सर्व्स टू 4,200 कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर. सो ये एक काफी अच्छा इसके पास नेटवर्क अवेलेबल है और इसके पास एक्सपेंशन के लिए 16 लाख कस्टमर अभी तक एक बार करने की कैपेसिटी भी है. 4,200 प्लस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को भी ये अपना गैस प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ इसका जो दूसरा सेगमेंट है सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी ये कंपनी काम करती है जो कि हम व्हीकल्स में यूज करते हैं. द कंपनी हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ 270 प्लस सीएनजी स्टेशंस एंड 1600 प्लस डिस्पेंसिंग पॉइंट्स स्प्रेड अक्रॉस मुंबई एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज. सो इस कंपनी का जो मेजर प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र के मुंबई और उसके आसपास के एरिया में है, इससे हमें पता चलता है. प्रेजेंटली इट सर्व्स टू 8 लाख प्लस सीएनजी कस्टमर्स इन इट्स जियोग्राफिकल एरिया. सो इसका जो एरिया है मुंबई के आसपास का उसमें वो 8 लाख प्लस कस्टमर को सप्लाई करती है. अगर हम इसका भी जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं तो प्रेजेंटली द कंपनी ऑपरेट्स इन 3 जियोग्राफिकल एरियाज, नेमली मुंबई, ग्रेटर मुंबई, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ मुंबई एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. इट हैज एस्टेब्लिश्ड अ फर्म प्रेजेंस विद अ डोमिनेटिंग मार्केट शेयर इन द ग्रेटर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट 75% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेवेन्यू. सो इसके रेवेन्यू का 75% जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो ग्रेटर मुंबई से आता है. तो चलिए हम इसका अभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं. अगर हम देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 12,298 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ अगर हम बोलते हैं तो एक स्मॉल कैप कंपनी है. विद करंट मार्केट प्राइस जो इसका चल रहा है वो है 1244 और 52 वीक हाई जो है 1252. सो ये अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड हो रही है. इसका अगर पी देखते हैं तो 10.7 है लेकिन इंडस्ट्री एवरेज पी जो है वो 18.8. सो ये कंपेरेटिवली उसके जो पीयर्स है उसे सस्ती अभी दिखती है. बुक वैल्यू जो है वो 474 है. सो प्राइस टू बुक रेशियो जो आएगा वो 2.63 आएगा जो कि स्लाइटली महंगा इसके हिसाब से हमें लगता है. इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4% है. प्रॉफिट ग्रोथ 113% जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है. इसी के साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो भी 0.02 है जो कि काफ़ी अच्छा डेट टू इक्विटी माना जाता है. ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है 25.8. अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं एक साल का तो ये कंटिन्यूसली अपने 50-day मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा था. बीच में यहाँ पे जैसे ही 200-day मूविंग एवरेज में आता है वहाँ पे सपोर्ट लेके ये वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है. 200-day मूविंग एवरेज जो है वो एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट इसके लिए काम कर रहा है ऐसा हमें दिखता है. अगर हम इसका पी रेशियो का ट्रेंड देखते हैं तो इसका मीडियम पी जो है वो 14 है, उसके ये अभी नीचे ट्रेड हो रहा है. तो ये एक काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए प्रोवाइड करता है. अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, कॉन्स नहीं है, सभी इसमें गुड पॉइंट्स है जो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है. जैसा कि हमने डेट टू इक्विटी रेशियो से देखा कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पेड ऑफ 32.7%. सो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है. अगर हम इसका पीयर्स देखते हैं तो अदानी, गेल, गुजरात गैस, पेट्रोनेट, इंद्रप्रस्थ, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और महानगर गैस, ये ऐसे इसके महानगर गैस खुद यहाँ पे लास्ट में है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से. तो ये इसके पीयर्स हैं. अगर हम इसका क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो सितंबर 2020 में 507 था जो कि
अभी बढ़कर हो गया 1538 1571, जो कि ऑलमोस्ट 3 times इसका सेल्स बढ़ा है। उसी के साथ प्रॉफिट मार्जिन जो 44-45% जो था वो भी घटकर बीच में 20% तक आया था, 15-10% ऐसा आया था, अभी फिर से मार्जिन इंप्रूव होने लगे हैं और ऑलमोस्ट 30% के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। तो जो प्रॉफिट है वो 144 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर 338 करोड़ हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 3 times हुआ है फ्रॉम क्वार्टर सितंबर 2020 से लेके। बीच में जैसे इसका मार्जिन कम हुआ वैसे यहाँ प्रॉफिट भी काफ़ी कम हुआ था, जो कि 57 करोड़ था, 132 करोड़ था। अभी जैसे मार्जिन इंप्रूव हुए है तो प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है। अगर हम ईयरली देखते हैं स्टेटमेंट तो 1300 करोड़ का सेल्स जो था वो अभी बढ़कर हुआ है 6391, ऑलमोस्ट 6 times सेल बढ़ा है, 5-6 times। मार्जिन जो है वो हमने जैसे कि देखा 38% का था, जो कि अभी 26% में है, थोड़ा डिक्लाइनिंग मार्जिन में दिख रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 308 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर ऑलमोस्ट 1148, मीन्स 3-4 times जंप इन द प्रॉफिट हमें दिखती है। डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा देती है, 44-52% था। जैसे कि अभी मार्जिन कम हुए तो थोड़ा डिविडेंड कम हुआ है, लेकिन वो भी अच्छा है, 37-41% डिविडेंड दे रही है कंपनी। अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है, 10 ईयर की 15% आती है, 5 सालों की आती है 23, और ट्रेडिंग 12 मंथ में भी 25%, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखा रही है, 10% 10 सालों की, 5 सालों की 11% है, और ट्रेडिंग 12 मंथ की 113%। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 32% है प्रोमोटर के पास, और FII के पास 30% है, DIs के पास 17% है, और गवर्नमेंट के पास भी 10% है, और जो पब्लिक है ऑलमोस्ट 9% है, और वो कम ही हुआ है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। सो जो बड़े प्लेयर्स है उनके पास काफ़ी अच्छा स्टेक है कंपनी का, सो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज वेरी गुड कंपनी, इसके लिए ही बड़े लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो फ्रेंड्स ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस। आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स कीजिए इम्प्रूवमेंट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए अभी हम देखते हैं टिकर टेप पे कुछ की पैरामीटर्स, जैसे कि परफॉर्मेंस थोड़ा लो रहा है, वैल्यूएशन एवरेज है कंपनी का, ग्रोथ जो है वो लो दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, यानी इस प्राइस में भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, और रेट टैग कुछ भी नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। सो लेट्स गो टू टेक्निकल एंड चार्ट। सो अगर आप देखेंगे तो ये हमने MGL का टेक्निकल चार्ट खोला है, और इसमें आपको ये मंथली चार्ट दिखेगा। सो हर एक कैंडल इज शोइंग अ वन मंथ, इट्स वन मंथ का इसका जो जर्नी हुआ है वो दिखा रही है, वन मंथ में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये एक रेंज, अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है जिसमें ट्रेड हो रहा था, और अभी जस्ट ये जो मंथ है जनवरी, इसमें ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है। सो ये एक काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट माना जाएगा, क्योंकि इसने मंथली रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट अभी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए माना जा सकता है। अगर आप देखते हैं तो इसका RSI भी 60 के ऊपर है ना। अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हमें थोड़ा डीप डाइव करके इसमें वीकली और डेली में स्टॉप लॉस और टारगेट क्या निकल के आते हैं वो देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू वीकली चार्ट। तो अगर आप देखते हैं तो ये हमने वीकली चार्ट अभी ओपन किया है, यहाँ पे सितंबर 21 के लेवल को अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर मैंने एक रेड चैनल मार्क किया था, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल था। बार बार स्टॉक यहाँ जाके नीचे आता है, जैसे कि आप देखते थे 1, 2, 3, 4 बार स्टॉक ने ये जो रेंज है इसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया और वहाँ से नीचे आ जाता है, और अभी ये 5th time यहाँ पे इस रेंज के ऊपर लास्ट वीक में क्लोज दिया और उसके ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो इसी के लिए ये स्टॉक को हमने डिस्कशन के लिए लिया है, ताकि क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है हमें
एक ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो अगर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो इसका टारगेट जो निकल के आएगा, तो ये जो रेंज है इसको ही हमें ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो देखिए इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 1700 रुपीस, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 42% इन 40% तो हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन इतने अपसाइड के लिए हमें अभी एक अच्छा स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम स्टॉप लॉस देखना है तो लेट्स गो टू डेली चार्ट। तो ये जो है अभी इसका डेली चार्ट खुला है, और अगर आप देखते हैं तो ये काफी अच्छा स्विंग हमें दिखता है। तो हमें अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तो हम इसमें एंट्री कहाँ कर सकते हैं, जैसे ही ईयर कैंडल का हाई जो है दैट इज 1246 इसके ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस जो है ये हमारा यहाँ आ जाएगा ऑलमोस्ट 6%, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें ये जो लेवल है 10% के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और टारगेट जो है हमारा, जैसे कि हमने देखा 42% का टारगेट हमें इसमें दिखता है, तो ये अगर हम टारगेट देखते हैं फाइनल तो ऑलमोस्ट 1:4 भी हम पकड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें दिखता है। और अगर हम इसको बाय करते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करके ही बाय करना है, और टारगेट जो है जैसे ही ये स्टॉक हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर लेके आना है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर से एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।